अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए भाई, लाइव आया हूँ मैं। बिना बताए लाइव आया हूँ, शायद इसीलिए बहुत से बच्चे जो है थोड़ा सा नोटिफिकेशन लगता गया नहीं है किसी को। जी फिलहाल 1-6 ठीक है, नोटिफिकेशन आया क्या भाई? वालेकुम सलाम। एक मिनट दीजिए, एक मिनट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इससे पहले जो लाइव सेशन शुरू कर रहा था मैं, तो इंटरनेट बंद हो चुका था, इसीलिए जो है लाइव शुरू नहीं हो सका। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? साफ़ आ रही है? वालेकुम सलाम। सर मैं वो हूँ जो आपको टेलीग्राम पर परेशान करती हूँ। अच्छा, खान फैज़ान कौन है भाई? असल में बहुत सारे बच्चे जो है ना सवालात करते हैं, सर ये सलूशन, इसका बताओ, इसका सवाल जवाब बताओ, इसका जवाब बताओ, इसका सलूशन बताओ, ये चाहिए, वो चाहिए, ये डाइजेस्ट चाहिए, वो डाइजेस्ट चाहिए, ऐसा समझते हैं। मतलब मैं लेकर बैठा हूँ साथ में और लो भाई आपको देने के लिए बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे भी दूसरे काम रहते हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, काम करता हूँ। आवाज़ है ना बस साफ? हाँ, लाइक करने के पैसे नहीं लगते भैया, लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सर स्कूल चालू कब तक होगी? 9th और 10th की? अगर आपने आज का इनकलाब पढ़ा है न्यूज़पेपर, वैसे आज के इनकलाब में तो कुछ नहीं आया, लेकिन हमने एक वीडियो दिया था कल रात में, आधी रात को दिया था, 12-1 बज रहे होंगे। क्या आप लोगों ने वो वीडियो देखा था? वो बोलिए, लगता बच्चों को ना नोटिफिकेशन गया नहीं है। एक काम करता हूँ मैं ना, इसका लिंक जो है ना टेलीग्राम में डाल देता हूँ मैं, तो हो सकता है शायद कुछ लोग आ जाएं, क्योंकि काफ़ी कम लोग दे रहे हैं। देखिए, अगर रात में अपलोड किए गए वीडियो अगर आपने देखा है, तो उसमें हमारी जो स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर जो है वर्षा गायकवाड़ साहिबा, उन्होंने में बताया कि वो सोच रहे हैं फिलहाल अभी कि 15 अप्रैल के बाद 12वीं के और 1 मई के बाद जो है वो 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम लेने का ऐसा सोच रहे हैं, है ना? अभी तक कंफर्म नहीं बोला है उन्होंने। और आज के लोकमत अखबार में और क्या कहते हैं दूसरे इंग्लिश अखबार में भी उसके ताल्लुक से छपा है ना? तो चलिए, मैंने लिंक भेज दिया है, देखते कितने लोग। सर उसमें 5th टू 8th का दिया है, 10th का नहीं। अरे 9th टू 12th का जो है वो ऑनलाइन तरीके से चालू है ना, तो स्टडी रुकी कहाँ है? तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप जो है ना अल्फी अंजुम, क्या बोल रहे हैं सर, अल दिख नहीं रहे हैं, आवाज़ भी नहीं आ रही। बहुत खूब, आरिफ मोहम्मद खान साहब जो है इस सेशन में मौजूद है। देखिए बच्चों, साइंस के ताल्लुक से जो भी है आपकी रहनुमाई करते हैं। अभी अभी जिन्होंने कमेंट किया है, आरिफ मोहम्मद खान साहब, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको एनिमेटेड वीडियो मिलेंगे साइंस के ताल्लुक से, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उर्दू मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, साथी हैं, आपके सहेलियाँ हैं, दोस्त हैं, सब में शेयर कीजिए। हम चाहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र के बच्चे जो है वो हमारे जो तालीमी चैनल बनाए गए हैं उनके ज़रिए वो सीखें, क्योंकि हम हर तरीके से मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। हाय सर, मैंने आपकी सारी वीडियो देखा हूँ 8th क्लास की। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बताइए जितने भी जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको बताया करें। देखिए हमारा साथ तब तक है जब तक ये इंटरनेट चल रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई इंटरनेट की कनेक्टिविटी फ्लक्चुएट बहुत होती है हमारे यहाँ, तो थोड़ा सा कैसा होता है कि इंटरनेट कभी भी बंद हो सकता है। तो मैं जल्दी जल्दी अपनी बातें कह देता हूँ। आपको ना होना है तैयार, मतलब अगर आप में से कुछ लोग अगर नहीं पढ़ रहे थे तो भाई पढ़ना शुरू कर दो मेहरबानी करके, है ना? वरना आपका जो है नुकसान हो सकता है।
तो हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो। मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आप नहीं पढ़ रहे थे तो पढ़ना शुरू कर दो भाई, है ना। थोड़ा बहुत पढ़ते रहा करो, मतलब रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि आज के आज ही बैठ के पढ़ना है, ऐसा नहीं है, है ना। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो कैसा है कि स्टडी मटेरियल वगैरह तो हर चीज़ मिल रही है आपको ऑनलाइन तरीके से, तो आजकल तो सब चीज़ मैसर है, फ्री में हम भी दे रहे हैं हमारे ग्रुप के ताल्लुक से, मतलब ग्रुप में भी दे रहे हैं हर चीज़, और दूसरे टीचर्स के भी जो मवाद है, तालीमी मवाद, वो भी आपको मिल रहे हैं। मराठी जो सबसे मुश्किल आप लोगों के लिए को जो लगता है वो भी मवाद मिल रहा है आपको, और इंग्लिश का भी मिल चुका है ना। उर्दू तो ईजी है ना, लेकिन उर्दू का जो हम इंशाल्लाह आपको मज़ून देंगे। फ़िलहाल हमने कल एक लाइव सेशन लिया था जिसमें हमने पेपर सॉल्व करवाया था, तो पेपर सॉल्व करवाते वक्त जो है बहुत ऑलमोस्ट 100 के करीब जो लोग मौजूद थे, लेकिन धीरे 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 करते करते उसमें से कुछ लोग निकलते चले गए। अब उसकी वजह पता नहीं क्या होगी, लेकिन बात यह है कि भाई आपके लिए जो है वो फ्री में मिल रहा है उसको गनीमत जाने और थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाएं। लेकिन अब ये लाइव सेशन में ख़ास मैं ये भी बताने आया हूँ कि अब जो है लाइव पेपर सॉल्यूशन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि उसमें ना तवज्जा नहीं होती। देखो इसीलिए लाइव नहीं पढ़ाया जाता। आप लोग बोलते हैं ना कि लाइव क्लास कब होगी, लाइव क्लास कब होगी, तो अब लाइव क्लास कभी नहीं होगी। वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा, आपको देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, है ना। हमने सिर्फ बना के रख दिया है, आपको देखना है जब भी वक्त मिले देखिए, नहीं देखना मत देखिए, कोई मसला नहीं है। क्योंकि देखो आप खुद मुख्तार लोग हैं अभी फ़िलहाल, है ना। बहुत से बच्चे जो हैं मतलब अपनी चला रहे हैं। कैसा हो रहा है कि जब कहीं चीज़ से चीज़ें मिलती हैं, अवेलेबल होती है फ्री में, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ऐसा समझ रहे हैं कि भाई हमको पास कर दिया जाएगा, हालात ऐसे हैं, स्कूल ओपन नहीं हुई है तो हमको कैसा ना कैसा करके पास हो जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बाकायदा सेंटर लगेंगे कॉलेज स्कूल्स वगैरह में, आपको जाकर एग्ज़ाम देना होगा, समझे। तो पढ़ाई करो। देखिए भाई हिंदी और मराठी का रेड्यूस सिलेबस का भी वीडियो हमने डाल रखा है हमारे चैनल पर, अभी थोड़ी देर में मैं अवेलेबल कर देता हूँ वहाँ पर, आप लोग देख लेना। हमारे मुनव्वर मलिक साहब जो है हमारे भाई है, और उन्होंने बनाया है हिंदी और मराठी का 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का, तो आप वो देख सकते हैं कौन सा सबक आपको इस साल जो है नहीं पढ़ना है, इस तालीमी साल कोरोना की कुछ 25 रिड्यूज़ हुआ है। हाँ अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई सिलेबस रिड्यूज़ हुआ है तो कितना हुआ है, सब यही चल रहा है। सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, टीचर भी ऐसे हैं जिन्हें अब तक पूरी मालूमात नहीं है। तो मैं ऑफिशियली तरीके से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं SCERT की जो वेबसाइट है जिसका लिंक MAA.AC.IN है, इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है रिड्यूस सिलेबस PDF फॉर्म में मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने बाकायदा बता दिया है ऑलरेडी कि कोई 10वीं जमात में के बच्चों के लिए, 9वीं के लिए कौन कौन से सबक जो है कम हुए हैं इस साल के लिए कोरोना की वजह से, क्योंकि स्कूलें बंद है, पढ़ा नहीं सकते, तो इसके लिए थोड़ा सा निसाब कम कर दिया गया ताकि बच्चों पर बोझ कम रहे। सर स्कूल होने के बाद सेकेंड टर्म से शुरू होंगे तो एग्ज़ाम होने के टाइम पे फर्स्ट टर्म के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए कुछ कुछ स्कूलों ने तो मुझे पता चला है कि भाई उन्होंने ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम ले लिया है मोबाइल वगैरह पर, अभी इतनी सही तो नहीं, लेकिन जब स्कूल शुरू होगी तो आपको बताया जाएगा कि भाई क्या क्या आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आज अगर आप स्कूल गए और कल आपका एग्ज़ाम ले लिया, ऐसा नहीं होगा। तो आपको बताएंगे आपके टीचर्स। देखो टीचर्स जो है ना सबसे रहमदिल पर्सनैलिटी होती है हमारे समाज के अंदर, जो आपकी हर कदम पर रहनुमाई करते हैं, है ना। आपके टीचर आपको क्यों नहीं बताएंगे, आपको तो ज़रूर बताएंगे ना। तो इसके लिए एकदम बेफिक्र रहना, बस एक्स्ट्रा जो एफर्ट होता है यानी एक्स्ट्रा जो मदद होती है वो मैं अपने चैनल के ज़रिए बच्चों को देता हूँ। ये फ़िलहाल लाइव आने का जो मकसद है ना वो यही है कि मैं आपको बता दूँ कि अब तक जो है ना लाइव क्लास ले रहा था मैं संडे को, जिसमें मैं पेपर सॉल्व करवाता था, अब नहीं करवाऊँगा। क्योंकि कैसा हो रहा है उसमें ना, मैंने कल देखा, गौर किया मैंने, बहुत से बच्चे ना कमेंट में ना बातें कर रहे थे और शायद कुछ गलत अल्फाज भी उन लोगों ने इस्तेमाल किए, सही। तो मैंने सोचा था इससे तो जहन मुंतशिर हो रहा है, तो कुछ बच्चे उसमें से निकल गए और ये उन लोगों की वजह से ही हुआ जो लोग ऐसे कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं।
तो रिप्लाई मैंने भी पढ़ा था लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं था उसमें। तो बराए करम पढ़ने के लिए ही बनाया गया है चैनल, तो पढ़ने के लिए इस्तेमाल कीजिए जी। जोर से ही बोल रहा हूँ भाई, आवाज़ नहीं आ रही है क्या? आवाज़ आना चाहिए ना, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? इधर माइक इतना ज़बरदस्त है इस एयरफोन का, इसलिए मैंने ये इस्तेमाल किया है। आवाज़ क्यों नहीं आ रही भाई आपको? वेबसाइट जो है हमारी www.khansacademy.in है। चलिए मैं आपको उसका लिंक जो है एक बार फिर से यहाँ दे देता हूँ मैं इस लाइव में, क्योंकि कैसा हो रहा है लाइव सेशन में ना, अब नहीं पढ़ाया जाएगा, अब सिर्फ आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह से ओवा करता था वैसे ही करेंगे, है ना? बच्चों ना थोड़ा सा क्या कहेंगे, दूसरों को बोलने के बजाय अपने ही जो लोग हैं ऐसा करते हैं, हर चीज़ फ्री में दे जाने के बाद भी उसको गनीमत नहीं जान रहे, है ना? देखो कमेंट में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, उसको क्लिक कर लो और वहाँ से जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए डाउनलोड कीजिए, हर चीज़ दे रखा है, यूनिट टेस्ट के, फर्स्ट सेमेस्टर के, प्रीलियम के, बोर्ड एग्ज़ाम के, सब दे रखा है मैंने। मराठी लेक्चर अगर चाहिए तो हमारे ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, वहीं पर सब चीज़ मिलती है। यहाँ पर फिलहाल अभी इस लाइव सेशन में तो थोड़े नाम बता सकते हैं आपको, है ना? तो ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर जुड़ने के बावजूद भी अगर आप इस तरह से पूछ रहे तो फिर आप अटेंटिव स्टूडेंट नहीं ग्रुप में। ये कल यही सारी बातें मुझे करनी थी संडे के लाइव में, लेकिन सर पढ़ाइए सर, शुरू कीजिए, ऐसे बोलते हैं लोग, तो ये तो गलत है। अभी वालों सलाम। हाँ मुझे पता है, देखो कुछ चैनल है जो मराठी के लिए बनाए गए हैं और वो जो है अक्षर भारती के लिए है। हम जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो अंतर भारती कंपोजिट मराठी पढ़ते हैं 40 मार्क्स वाला, तो उनके लिए हमारे नफीस सर का जो चैनल है वो काफ़ी मुफीद है। हम उसके वीडियो ही हमारे ग्रुप में भेजते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ग्रुप से में आकर उनके वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें जिनका जो मराठी 80 मार्क्स का है, यानी अक्षर भारती है, तो उनके लिए मराठी मास्टर एक चैनल है हमारे आरिफ पठान सर का, वो आप देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। उसमें ऑलमोस्ट पूरे मतलब बहुत सारे चैप्टर्स, ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस उन्होंने डाल दिया है उसके ऊपर पढ़ाकर, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है वो। आवाज़ तो साफ़ आ रही है ना? हाँ आवाज़ तो साफ़ आ रही है। तो भाई आपके कमेंट की जो रिप्लाई है वो कल लाइव सेशन में मैं दे नहीं सका, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी पौना घंटा, 1 घंटा मतलब 45 मिनट का वो वीडियो हो चुका है, जिसमें हमने साइंस का पेपर पूरा सॉल्व करवाया है और किस तरह से करना है साइंस में, किस तरह से सॉरी इंग्लिश में किस तरह से आप मार्क्स अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं, ये सब हमने उसमें बताया है। कौन है यहाँ, ये कैफ शेख ऐसे बोलते, साइंस का वीडियो, साइंस का वीडियो हमारे ग्रुप में ही मिलेगा। अब मैं एक ही बात बोलूँगा, ग्रुप में मिलेगा, साइंस के भी वीडियो सर ग्रुप पर अवेलेबल है। जी हाँ साइंस की वीडियो ग्रुप पर अवेलेबल है, हर चीज़ दिया है हमने, सिर्फ उर्दू इंग्लिश हिंदी मराठी ही नहीं, तारीख जुग्राफिया का भी मतलब तालीमी मवाद जो है मतलब नोट्स दे रखे हैं हमने, 21 नवनीत की दे रखी है हमने, आपको किसी ने दिया भी नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग उस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने शेयर किया है तो उसको किसी दूसरे ग्रुप कर रहे हैं, गलत है ना? मैंने हमारे तालीमी चैनल से जुड़े लोगों को हमने वो दिया है, दूसरों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए जो हमारे चैनल से सीखते हैं, देखते हैं, शेयर करते, उनके लिए है। अब वो दूसरे ग्रुप में वो अपना थप्पा लगा के दे रहे हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? तो आप जो है वो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, तालीमी जो ग्रुप है हमारा हमारे टेलीग्राम का, वहाँ पर हर चीज़ हम अवेलेबल कर रहे हैं, एक्टिविटी शीट्स वगैरह भी वक्तन फ़ौक्तन मिलती रहती है ना? जी सर हम अभी आए हैं। ओके ठीक है, अभी आए थे। देखो अगर कहीं अनजाने में आपसे डिसलाइक ना हो गया हो, लाइक करने के लिए बोला है, डिसलाइक करने के लिए नहीं बोला है भाई, आपकी रहनुमाई के लिए हम हैं यहाँ पर। इम्तियाज़ खान क्या बोल रहे, सो रहे सो रहे सर? नहीं भाई मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, है ना? मैं यही देखने बताने के लिए आया हूँ कि भाई अब कभी भी जो है टाइम टेबल हमारा आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम का, तो आप जो है
तैयार हो जाइए, मेहनत करिए। तो अगर आप, हो सकता है अभी अभी जागे होंगे या अभी शुरू कर रहे होंगे तो आपको हो सकता है टाइम लगे, है ना। तो आप जो है पहले सिलेबस को पढ़ें अच्छे से, फिर बाद में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करें। पेपर्स अपनी वेबसाइट पर है, मेरी वेबसाइट नहीं, वो आपके लिए वेबसाइट है, आपके लिए बनाया गया, khansacademy.in। मैं एक बार फिर से उसका जो लिंक है कमेंट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, है ना, ताकि आप जो है उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। 9th के ताल्लुक से तो मैंने देखो पूरा सिलेबस डाल दिया मैथमेटिक्स का आपको। अब और क्या चाहिए वो बताइए। मैथ्स 1 मैथ्स 2 पूरा ख़त्म कर दिया भाई मैंने 9th क्लास का। 8वीं जमात का जो है वो सेकेंड टर्म से बाकी, यानी 11वें सबक से बाकी है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं डालूँगा। सर साइंस का 8th क्लास की वीडियो बनाइए प्लीज़। हाँ जी बनाएंगे बनाएंगे। इंग्लिश का क्या दिया जी, रोशन ज़मीर सर का जो है वो बता रहे हैं, हम भी बताते हैं इंग्लिश के ताल्लुक से। E4U एक्टिविटीज़ जो है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो वहाँ पर इंग्लिश का मवाद पूरा मिलता है। ग्रुप का लिंक सेंड करो। ग्रुप का लिंक, अरे ग्रुप तो बताया ना भाई, क्या ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बच्चे ग्रुप इजी है ज्वाइन करना, खान्स अकेडमी उर्दू मीडियम 10th क्लास ग्रुप, खान्स अकेडमी उर्दू मीडियम ऐसा लिखो, टेलीग्राम पर आ जाएगा। और ये लाइव सेशन जो चल रहा है या कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं हमारे चैनल के, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक दिए होते हैं। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना नहीं आता आप लोगों को, तो क्या करूँ मैं, बोल बोल के तो थक गया हूँ मैं। 500 वीडियो में बोल दिया हूँ मैंने कि भाई हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना ग्रुप के लिंक्स हैं, उसको जाके क्लिक करो। क्लिक करेंगे तो अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम होगा तो ही आप आ सकेंगे, वरना आप बोलेंगे नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। अरे तो भाई आपके पास टेलीग्राम का पहले ऐप होना चाहिए ना, प्ले स्टोर से पहले ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करेंगे तब जाके आपको जो जो लिंक है उसके ज़रिए आप आ सकेंगे। नहीं हो पा रहे तो इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि देखो कैसा होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो कुछ ज़बान दराजी करते हैं, तो इसकी वजह से ना ऐसे वर्ड ब्लॉक हो जाने की वजह से वो बच्चे भी ब्लॉक हो जाते हैं। हमने उसमें एक सेटिंग करके रखी है, जो कोई बदमाशी करते हैं नालायकी करते हैं ऐसे लोगों के लिए हमने रोक लगा रखी है, वही लोग नहीं आ पाते ग्रुप में, बाकी सब आ सकते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे अगर किसी ने किया होगा तो ही वो लोग नहीं आ पाते ग्रुप में। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप रहिए, क्योंकि अगर आप नाम बदल कर ग्रुप में आ रहे होंगे तो मतलब फिर वो जो है टेलीग्राम पहचान लेता है आपको। तो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ना, तो आप वहीं से जो ग्रुप में आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ग्रुप में आना। चलो बहुत अच्छी बात है, जिनके स्कूल खुल चुके हैं पढ़िए, एहतियातन जाइए और मेहनत करें, जो टीचर बता रहे हैं उस पर ज़्यादा अमल कीजिए। और अगर कोई दिक्कत आती है किसी टॉपिक में समझने के लिए तो हमारे चैनल पर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई रोज़ मोबाइल लेके बैठ गए, मोबाइल में ही लगे हुए हैं, वीडियो ही देखते बैठे हैं, कुछ खुद से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि किताबी जो मालूमात है वो भी लेना आपको ज़रूरी है। आपको सेल्फ़ स्टडी का टाइम निकालना है, सेल्फ़ स्टडी के अलावा जो वक्त मिलता है उसमें वीडियोज़ देखने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि दिन भर उसी में लगा रहना है ना, इसमें आपका वक्त जा सकता है। तो थोड़ा सा आप अपने आपका जो वक्त है अपने आप के लिए निकालिए। एग्ज़ाम जब भी होगा आपको बता देंगे। साइंस 2 का पेपर हल कराओ, अब उसके वीडियो ही मिलेंगे भाई। सर 9th का साइंस का पेपर कैसा होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, जो पढ़कर जाएगा उसके लिए इतना आसान होगा कि वो 2 घंटे का पेपर 1 से 1.5 घंटे में कर लेगा, है ना। इजी होता है, पेपर आसानी बनाए जाते हैं। फिलहाल अभी हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से तो पेपर तो आसानी बनाए जाने वाले हैं। जी बिल्कुल जाइए भाई, बिल्कुल जाइए। ट्यूशन जा रहे हैं बोले हम, अच्छी बात है, जाइए आप जहाँ पर भी जाइए, लेकिन पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना भी, और अपने आप के लिए वक्त निकालो थोड़ा सा पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम ट्यूशन जा रहे हैं तो हमारी पढ़ाई हो जा रही है तो हम बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ो, खुद के लिए टाइम निकालो, सेल्फ़ स्टडी करो। सेल्फ़ स्टडी करेंगे तभी आपको पता चलेगा ना आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, कहाँ दिक्कत आ रही है, तो फिर आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। सर 8th क्लास होगा कि ऑनलाइन होगा, कुछ नहीं बोल सकते भाई। मुफीज़ शेख आ गए हैं, वालेकुम अस्सलाम, हमारे अटेंटिव स्टूडेंट्स में से एक।
मुफीज अल्फिया अंजुम हैं। सर, एट्थ क्लास का आपने 9 चैप्टर नहीं डाले हैं। हमने एट्थ क्लास के पहले 10 सबक डाल दिए हैं। 100 से ज़्यादा मरतबा मैंने कमेंट करके जवाब दे दिया होंगे, भाई प्लेलिस्ट में जाके देखो। मानते ही नहीं, प्लेलिस्ट देखना नहीं आता। अरे, इतने नए ज़माने में जी रहे हैं, मोबाइल है आपके पास, हर गेम के हर ऑप्शन आपको पता है, फेसबुक का, व्हाट्सअप का हर फीचर आपको पता है, बस हमारे चैनल के बारे में आपको प्लेलिस्ट नहीं मालूम, आपको होम बटन नहीं मालूम, आपको अबाउट सेक्शन नहीं मालूम। क्या बात कर रहे हैं, क्या मतलब फिर आपका यूट्यूब चला के? 9th क्लास का भी ग्रुप है, 8th क्लास का भी ग्रुप है, 10th क्लास का भी ग्रुप है। हमने तीनों क्लास के लिए ग्रुप बना के रखे हैं। हमारे ऐसे पता नहीं ये भोले बन रहे हैं या भोले हैं बच्चे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी चीज़ें मालूमात अब बच्चों को आजकल होती है कि बड़ों को भी नहीं होती इतनी। तो बच्चे बोलते हैं ये कहाँ है, वो कहाँ है। अरे भाई, सब चीज़ अवेलेबल है, सेक्शन बना के दे रखा है। अगर आप देखेंगे ना चैनल पे, देखो हंसी भी आ रही है, दांत निकल रहे लोगों के क्या बोल सकते हैं। सर, 10th क्लास के ग्रुप में मुझे ज्वाइन होना है, तो ग्रुप का लिंक दे दिया है हमने, ज्वाइन हो जाओ, है ना। मैं असल में लिख के रख रहा हूँ असल में नाम, जो लोग थोड़ा सा बदमाशी करते हैं ना कमेंट के ज़रिए, उनको अलविदा कर देंगे हमेशा के लिए। सर, SSC बोर्ड का टाइम टेबल नहीं आया भाई अभी तक, जब भी आएगा इस तरह से लाइव आके बता देंगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया है, MHSSCBoard.in ये वेबसाइट पर जाकर आप देख लो। वहाँ पर अगर आपको कोई प्रकटन या अनाउंसमेंट नज़र आता है तो आप जो है देख सकते हैं ना, MHSSCBoard.in ये वेबसाइट पे आप जाइए। कल तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है इस वेबसाइट पर, मैं भी रोज़ देखता रहता हूँ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है या नहीं आता है, क्योंकि मेरा काम ये होता है कि सबसे पहले आपको बताऊँ। हमको मत करना ब्लॉक, तो करो मत ना वैसे। क्या तशाबा फातिमा, सर मुझे 8th क्लास में ग्रुप में ज्वाइन होना है, प्लीज़। हो जाइए ना, ग्रुप का लिंक तो दे दिया है ना मैंने, कितनी मरतबा बोलो, एक लाइव सेशन में 10 मरतबा हो जाता है कि बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिस्क्रिप्शन देखना नहीं आता, बोले बच्चे। सर, स्कूल कब खुलेगी? जब खुलना होगा तब खुल जाएगी, टेंशन नहीं। सबसे बड़ा सवाल इस साल का, स्कूल कब खुलेगी? अरे खुल जाएगी ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं? बताएंगे ना आपके टीचर, स्कूल खुल जाएगी तो आपके टीचर बताएंगे ना, आपको मैसेज नहीं करेंगे? हाँ बोलिए ना, बोलिए, क्या लगता है, स्कूल खुल जाएगी और टीचर आपके बताएंगे ना, आपको मैसेज नहीं करेंगे? हाँ, मोबाइल पे पढ़ाएंगे आपको? अरे भाई बताएंगे, बाकायदा मैसेज आएगा स्कूल से कि अब इतनी तारीख से आना है। हो सकता है किसी के स्कूल से फ़ोन आएगा, बेटा कल से या परसों से, जब भी मतलब बिल्कुल बताएंगे। फिर तो बार बार एक सवाल पूछ के क्या मतलब है, एक सवाल पूछ के क्या मतलब है कि कब खुलेगी? बोले क्या मतलब, मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हूँ बेटा, बस मैं कैसा है वो सर्कुलर्स वगैरह जो है ना गवर्नमेंट के, वो देखता रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कब क्या था। सर, हमारी खुल गई जलगांव में, हाँ बहुत से ज़िलों में ना स्कूलें खुल चुकी है, लेकिन खास करके हमारे मुंबई और थाना पूना जैसे सेक्शन में ना स्कूल अब तक खुली नहीं है। वैसे 4 जनवरी से पूना में ऐसा बोला गया था कि स्कूलें खुल जाएंगी, तो हो सकता है शायद वहाँ खुल गई हों, तो थोड़ा सा हाँ। देखो, एक और बड़ा सवाल, पहले तो सबसे बड़ा सवाल क्या था, स्कूल कब खुलेगा, दूसरा है कि बोर्ड एग्ज़ाम कब होगा। अरे जब होगा तो पता चल जाएगा ना, मुझे क्या लगता है आपको, क्या बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी और आपको खबर ही नहीं लगेगी? अरे वो इस तरह से फैलती है ना खबर बोर्ड एग्ज़ाम की, कि जैसे जंगल की आग ऐसे फैलती है। जब वो प्रकटन आता है ना उस पर वेबसाइट पर, तो वो हमारे टीचर्स के इस तरह शेयर ज़बरदस्त तरीके से कि बच्चे बच्चे को मालूम पड़ जाता है। और सोचो, इतना बड़ा चैनल बनाया है जिसमें 29 से 30 हज़ार अब होने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 30 हज़ार सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 30 हज़ार लोग देखेंगे, क्या मैं इस चैनल पर नहीं डालूंगा, चैनल पर बताऊंगा नहीं मैं? क्या लगता है, बोलिए 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 बोलिए, क्या लगता है मैं बताऊंगा नहीं आपको? मैं बिल्कुल बताऊंगा और सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। तो फिर क्या क्या सोच के मतलब कमेंट कर रहे हैं आप ऐसा कि भाई कब होगा? अरे जब होगा तब बता देंगे, तो टेंशन क्या है, बताएंगे ना फिर। तो बार बार एक सवाल करना, 10 बार एक सवाल करना, कुछ एनर्जी भी वेस्ट होती है आपसे, आपकी
आप उंगली दुखती होंगी आपकी टाइप करके, है ना। तो देखो कैसा है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड के बोर्ड एग्ज़ाम कब होगा क्या होगा। जो भी अफवाहें उड़ती हैं उससे दूर रहा करो, और मैं बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा आपको, और बहुत ही बोलते ना एकदम सही खबर मैं आपको दूंगा, और इंशाल्लाह वो आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगी। तो आपको उससे आप जो है, अगर आपको मेरी भी बात पे यकीन नहीं आता है तो आप खुद उस वेबसाइट पर जाइए जो मैंने बाकायदा इस पर एक वीडियो बनाया कि किस तरह से आप जो है जो अनाउंसमेंट जो होता है ना जहाँ पर, वो देख सकते हैं। या फिर हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ साहिबा, उनका ट्विटर हैंडल भी देख सकते हैं, क्योंकि वो बाकायदा वीडियो बनाते हैं कि भाई एग्ज़ाम कब होगा और जो भी डिसीजन है, रिजल्ट कब आता है, ये वो स्कूल कब खुलेंगे, सब चीज़ वो है ना वीडियो बना के बताते हैं या लिखते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर, तो वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। हाँ ना, असल में समझते ही नहीं कुछ लोग हैं, बड़े नालायक हैं। कल जो अनसीन पैसेज पढ़ रहे थे ना मैं इंग्लिश के पेपर में, वो इन लोगों के लिए था जो लोग इस तरह का करते हैं ना। नहीं चलाते तो अब इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है, मत चलाओ। देखो कमेंट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, कितने होशियार है ना। वालेकुम अस्सलाम फराज एहसान भाई, देर कर दी आते आते, मेहरबान। 26 मिनट से हम लाइव हैं, अटेंटिव स्टूडेंट कल भी पीछे थे आज भी पीछे रह गए, क्यों भाई ऐसा लेट हो गए। हाँ खैर मैं आज पढ़ा नहीं रहा हूँ, असल में कल जो बच्चे बड़े बदमाशी कर रहे थे लाइव सेशन में, उनको के लिए मैं आया हूँ कि भाई अब से जो है ना मैं बोलने के लिए आया हूँ कि भाई अब लाइव में पढ़ाना ही नहीं है, वीडियो मिल जाएंगे जो भी है, मैं लाइव में आपसे ना ऐसी सवाल जवाब जो है इस तरह से आपके जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं लाइव पढ़ाऊंगा नहीं। लाइव में पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ झगड़े होते हैं, बातें होती हैं, बस इसीलिए कोई लाइव पढ़ाना नहीं चाहता, है ना। सर 8th क्लास में ज्वाइन होने के लिए पैसे लगेंगे क्या? किसने बोला पैसे लगेंगे? सर आजकल रिवीजन में लगा हुआ हूँ, मोबाइल साइलेंट करके रखता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, चलेगा, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ कि भाई अच्छी बात है आप पढ़ाई की। वालेकुम सर, सर वर्षा मैम हमारे के चलमा चलमा थे क्या, देखो अफजल शेख बोल रहे हैं। जी हाँ, वो असल में बांद्रा में, मुंबई के बांद्रा इलाके की जो है ना, वो वहाँ के पहले नगर सेवक थे, ऐसा करते करते धीरे धीरे आगे बढ़े हैं वो। अभी कहाँ अजान हो रही भाई, अभी तो 1:15 हो रहा है, 1 बजे होती है ना, जुम्मा थोड़ी ना आज, आज तो पीर है, मंडे। सर साइंस में अच्छे मार्क्स कैसे लाए? नहीं पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सबक रीडिंग करना पड़ेगी, चैप्टर रीडिंग जिसको बोलते हैं ना, बार बार चैप्टर पढ़िए और फिर उसके ताल्लुक से सवालात जो है वो हल कीजिए, तो आपको कैसा है तैयारी अच्छी होगी। सर 3 बार की किसने दिया है? ऐसे हो गया था सर, जो आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंकेंगे ना। नहीं, असल में कैसा होता है, वो थोड़ा सा बहुत से टीचर्स ने भी बोला है कि सर लाइव में मत कराओ, क्योंकि उसमें कैसा होता है कि आप जो दूसरे सवालों के जवाब भी देते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा वो लाइव जो ना बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए ना अब लाइव सेशन में पढ़ाया नहीं जाएगा। ऐसे ही आपके कमेंट्स के, आपकी जो जो डाउट्स है जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं उसको क्लियर कर दिया जाएगा, और पेपर सोल्यूशन के बाकायदा वीडियो बना दिए जाएंगे, और उसमें कैसा रहेगा, वीडियो में सिर्फ उतना ही बोला जाएगा जो पेपर में सवाल है ना, उतना ही बोला जाएगा, ज़्यादा उसमें बात नहीं की जाएगी, तो वैसे ही करेंगे अब से, लाइव नहीं पढ़ाएंगे। अगर किसी ने संडे लाइव में किसी ने बोला कि आज क्या, आज का क्या टॉपिक है, आज क्या पढ़ाएंगे, तो ऐसे लोग को इग्नोर करेंगे, और इग्नोर करने में मैं बड़ा फेमस हूँ, मेरे ऐसा इग्नोर करना लोग सीखते हैं। अरे इग्नोर करना तो भाई वसीम सर के, सर इग्नोर करना, इग्नोर करना बहुत अच्छे से आता है मुझे। यू आर बेस्ट टीचर माई फेवरेट, बहुत बढ़िया है ना। अब है ना थोड़ा सा ऐसा एक काम करो, ज़्यादा तारीफ़ें मत करो, तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह के लिए। आपका काम हो रहा है ना हमारे चैनल के ज़रिए, सीख रहे ना, पढ़ रहे ना, हर चीज़ मिल रहा है ना, बस दुआ में याद रखा करो, नमाज में जब पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज के बाद जब दुआ होगी तो दुआ में याद रखा करो, नाम ले लिया करो कि अल्लाह वसीम सर के काम जो है ना गैप से बना दे, ऐसा दुआ करा करो, है ना। तो कैसा है कि ऐसा कमेंट में
तारीफ़ करना, ये थोड़ा सा कैसा हो जाता है, थोड़ा सा शेखी बगारने जैसा हो जाता है। फिर बच्चे लोगों को क्या लगता है मालूम है, अरे हाँ जो दुआ दे रहे और अच्छा अच्छा बोल रहे हैं ना, उनके कमेंट पढ़ रहे सर, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, ऐसा अपने को नहीं करना है। हाँ तो जब भी आप नमाज़ पढ़ेंगे ना, तो दुआ करना कि अल्लाह वसीम सर के काम गैब से बना दे, है ना। मालूम है अल्लाह जो है ना गैबी मदद जिस तरह से अता करता है ना, हम लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे ज़राए से मदद करता है अल्लाह कि हम गुमान भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए ऐसी दुआ दिया करो कि अल्लाह जो है आपके काम गैब से बना दे। तो है कि अब लाइव में पढ़ाया नहीं जाएगा भाई, क्योंकि मैंने देख लिया है कल ज़रा बहुत मैं परेशान हो गया था कि मैं पढ़ा रहा हूँ और बैड वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं चैट बॉक्स में, जो कि बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। और ऐसा हुआ, इससे मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे दुख होता है। और अब मैं नहीं चाहता कि मैं लाइव पढ़ाऊँ, है ना। बस वीडियो बना के दे दिया है, मेहरबानी करके जो है वीडियो को ऑनलाइन देखा करें, बग़ैर डाउनलोड किए देखा करें। डाउनलोड करके देखोगे तो हमारा हमको मालूम पड़ जाएगा कि भाई आपने डाउनलोड करके देखा है। तो जिस दिन मुझे पता चल गया कि भाई वीडियो डाउनलोड करके देखे जा रहे हैं, इस पे वॉच आवर नहीं आ रहा है, उस दिन से वीडियो बनाना बंद। इसके लिए हाँ बोल दिया मैंने, अगर पूरा पेज भी भर के बोलोगे ना तो भी मैं यही बोलूँगा कि मैंने बोल दिया है ना, मैंने बोल दिया है, बता दिया है, जो भी आपके सवाल थे सबके जवाब दिया है मैंने। ऐसा नहीं किसी को मैंने इग्नोर किया है। फिलहाल यहाँ अरकम सैयद बुर्रहम आकोट से, जी सर आज किस चीज़ के लिए लाइव क्लास हो रही है, आपके कमेंट के जवाब देने के लिए लाइव क्लास हो रही है। क्लास नहीं है भाई, अब से लाइव पढ़ाएंगे नहीं। फैज़ान खान सुन लीजिए भाई ध्यान से, आप लोग बोल आप बोल रहे हैं ना, पूछ रहे हैं ना कि भाई आज की किस चीज़ के लिए लाइव है। अब से ऐसे लाइव क्लास जिसमें पढ़ाया ही नहीं जाएगा, सिर्फ आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे बस, और कुछ भी नहीं। पढ़ने के लिए वीडियो बना दिए हमने, वो वीडियो देखो आप और उसी से पढ़ाई करो। सर लाइव अच्छे से समझ में, लेकिन कुछ बैड लोग की वजह से नहीं हो पाएगा, इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला, नहीं मिला तो हमने हर सवाल का जवाब तो दिया है। देखो लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद ना, आप लोगों की आदत है, आप लोग ना वो वीडियो देखते नहीं है ना फिर से। देखो ये वीडियो इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाए। तो लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद अगर आप देर से जुड़े थे तो फिर से देख लो उसको, जहाँ तक देखा, जहाँ ज्वाइंट हो वहाँ तक देख लो ना, बात का मत देखना। तो ऐसा होता है ना। तो आपको क्या करना है, कोई लाइव सेशन जब ख़त्म हो जाता है तो उसको फिर से देख सकते हैं आप जहाँ से ज्वाइंट हुए थे, फिर वहाँ से मत देखना, है ना। तो सिंपल होता है, मुझे टाइम टेबल दो ना पढ़ने के लिए। देखो भाई टाइम टेबल कैसा है, हम नहीं दे सकते क्योंकि मुझे आपका शेड्यूल नहीं पता ना, मुझे आपका शेड्यूल नहीं पता कि आप कब जो है पढ़ाई करने बैठते हो, कब स्कूल से आते हो, कब ट्यूशन से आते हो, आपका फ्री टाइम कब है, आपका पीक टाइम क्या है। देखो हर इंसान का है ना एक पीक टाइम होता है, मतलब उस वक्त में उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना आता है। तो ऐसा पीक टाइम मुझे तो नहीं पता, आप लोगों का है। तो इसके लिए ना आपको खुद को खुद से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, है ना, खुद के बनाइए आप। अगर मेरी ज़ाती राय अगर आप जानना चाहते हैं तो भाई एक दिन में 3 सब्जेक्ट कैसे भी करके पढ़ो, कम से कम एक दिन में 3 सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 5, थोड़ा पढ़ने का, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ने का। क्योंकि भले ही सोचो बड़ा, शुरुआत छोटी करो, धीरे 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 अपने आप को आदत में लाओ, है ना। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि कल से 4 बजे उठेंगे, 4 बजे तो बिल्कुल नहीं उठ पाएंगे तुम, क्योंकि जब अगर उठते ही नहीं थे तो नहीं उठ पाएंगे, है ना। फजर में ही उठ जाओ तो यही बहुत बड़ी बात है अपने लिए, अजान के वक्त उठ जाओ, नमाज़ पढ़ो और फिर उसके बाद में पढ़ने का, मैथमेटिक्स सॉल्व करने का, नींद भी उड़ जाती है उससे, मतलब कैलकुलेशन करते ना जब तो नींद भी उड़ जाती है। सर जी 9th क्लास का साइंस कब से स्टार्ट करोगे, प्लीज़ प्लीज़ रिप्लाई। मैथ्स एंड साइंस इज़ रॉकेट, कौन है भाई ये, करेंगे देखते हैं, अभी फ़िलहाल उसके लिए एनिमेशन की तैयारी कर रहे हैं हम। अच्छी बात है, अगर उठते हैं आप तो तहज्जुद भी पढ़ लिया करो फजर से पहले, है ना। और ठंडी में ठंडे पानी से वजू करना तो अल्लाह बहुत राज़ी होता है, खुश हो जाता है, अरे मेरा बंदा कितना अच्छा है। आप जो भी दुआ मांगें कबूल हो जाएगी, है ना। देखिए अब जब अज़ान हो जाएगी ना, अज़ान होना शुरू होगी तो ये लाइव सेशन बंद कर देंगे, हाँ फिर चले जाएंगे। और हाँ याद रखना, नमाज में नमाज़ पढ़ने जाएंगे ना अभी, तो दुआ कर लेना थोड़ा सा, दो अल्फाज मेरे लिए भी बोल देना कि अल्लाह वसीम सर के
जो है काम जो है वो गैबी मदद के ज़रिए करवा दें, है ना। सर मेरा सवाल का जवाब वापस दीजिए प्लीज़। अरे हर चीज़ पढ़ रहा हूँ, बोलो। पहले तो इतना लंबा टाइप करी अल्लाह की बंदी ने, बोलो ऐसा। अब वो भी पढ़ा मैंने, हर चीज़ पढ़ा मैंने, हाँ। तो फिर भी वो ऐसा बोलते हैं, क्या बोलेंगे अब। सबके सवालों के जवाब दिए, ऐसा नहीं कि किसी के सवाल के जवाब नहीं दिए, सबके सवाल के जवाब। मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता, लेकिन लोग मेरी जो फीलिंग्स है ना नहीं समझते। मेरे जो है ना 3 से 4 बात है जो आपको मानने पड़ेंगे। सबसे एक पहला कि वीडियो मेरे पूरे ऑनलाइन देखने का शुरू से आखिर तक, है ना। क्योंकि आप तो मुझे पैसे तो नहीं दे रहे, तो जो मुझे पैसे देता है वो चाहता है कि वीडियो पूरा देखो, क्योंकि हम आपको फ्री में बता रहे हैं, है ना। नंबर 2, उसको शेयर किया करो, है ना, अपने दोस्तों में बताओ उर्दू मीडियम की, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो चैनल। नंबर 3, हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको है ना पूरे सबक के स्मार्ट PDF फाइल मिल जाएंगी, वो देखो, वो डाउनलोड कर लो, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है ना, स्मार्ट PDF फाइल मिल जाएगी। क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, नंबर 4 क्वेश्चन पेपर, तो हर चीज़ आपको मिल रही है ना, तो टेंशन क्या है जी। देखो बहुत से बच्चे बोल रहे हैं ना, ये वीडियो कहाँ है, वो सबक का वीडियो कहाँ है, ये सबक का वीडियो कहाँ है, बताइए। तो ऐसे बच्चों से मैं मुखातिब होना चाहता हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट पे जो वहाँ पर है ना एक बटन मिलेगा आपको स्मार्ट PDF करके, एक ऑप्शन है स्मार्ट PDF, उस पर क्लिक करेंगे ना 8वीं 9वीं 10वीं के 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो वहाँ पर है ना आपको पूरे जो सबक के वीडियो एक साथ मिल जाएंगे एक PDF फाइल में, तो आपको फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ भी, सब चीज़ एकदम रेडीमेड अवेलेबल है। तो थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, शायद कुछ सेकेंड लगेंगे, है ना। माशाल्लाह आप इतना अच्छा मोबाइल यूज़ करते हैं, इतना अच्छा आपके पास इंटरनेट है ना, तो कोई मसला नहीं है, है ना। मैंने तो एक बोला जब पता नहीं था, अब पता है। अच्छा, ठीक है। आपकी क्लास टाइमिंग कब होती है? मैं क्लास लेता ही नहीं भाई, वीडियो बना के डाल दिए फ़हीम खान, आप जो है वो देख लो जब आपको वक्त मिले, है ना। क्योंकि आजकल हमारे बच्चे इतने बिज़ी जितना हमारे वज़ीर आज़म बिज़ी रहते हैं, है ना। हमारे बच्चे बहुत बिज़ी हैं, ये नहीं पढ़ते वो नहीं पढ़ते, पूछो तो बोलते कि भाई टाइम नहीं मिला। क्यों टाइम नहीं मिला भाई, बिज़ी रहते हैं। तो बहुत बिज़ी रहते हैं भाई हमारे बच्चे, है ना। तो बिज़ी मत रहो, अपने आप को वक्त दो। अपने आप को वक्त नहीं दोगे तो क्या चलेगा। सर 10th क्लास का बेसिक मैथ्स वीडियो बना दो। अच्छा हाँ, और कुछ भाई, और कुछ और क्या बना दो, सजेशन मिल रहे हैं भाई। बेसिक के साथ ही तो पढ़ाते हैं, वीडियो देखेंगे देखोगे तो पता चलेगा ना। वीडियो अगर देखोगे ना तो उसमें बेसिक के साथ बताता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कैसा करना चाहिए, ज़रब कैसा करना चाहिए, जल्दी शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन कैसा करने का, जल्दी से स्क्वायर कैसा निकालते हैं, हर चीज़ बेसिक के साथ ही बताया। एक ही सवाल, स्कूल कब चालू हो गए? बता दिया फिर भी, स्कूल अब देखते 15 तारीख तक तो, जनवरी तक तो बंद ही रहेगा सब चीज़। लेकिन जिस ज़िलों में, जिन डिस्ट्रिक्ट में बंद है या शुरू है, तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, है ना। वालेकुम अस्सलाम। अभी जाने के टाइम पे कुछ लोग आ रहे हैं, लाइव सेशन बंद करने का वक्त आ गया है। मैं कुछ ही देर में ये लाइव सेशन बंद कर दूंगा, यहाँ पर जब अज़ान होगी तो मैं बंद कर दूंगा। और जब भी ऐसा मेरा मन करेगा मैं लाइव आ जाया करूँगा, अगर मुझे कुछ बोलना है, है ना। आपसे मैं ऐसे है बताया नहीं करूँगा, क्योंकि कैसा रहता है कि भाई कुछ लोग, दूसरे लोग भी आ जाते ना, ऐसे वाले लोग डिसलाइक करने वाले, देखो ना 6 डिसलाइक किए उन्होंने। खैर करने दो उनको जो करना है जी। मैं मुंबई से हूँ, घर बैठे बोर हो गए। अरे तो भाई पढ़ो ना, जब तक दूसरा मशगला रखो अपना, राइटिंग स्किल सुधारो। सर दुआ याद रखना, मेरा नाम फाद है। अच्छा, आपका नाम फाद है जी। दुआ में याद रखें कि अल्लाह आपको अक्ल सलीम का सही तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक दे, और अपने मेहनत करने की तौफीक दे, और इंशाल्लाह आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से अल्लाह पास जो है आप पास हो जाओ। पेपर पैटर्न सेम है? अरे हाँ, बहुत सारे लोग जो है सवाल भी कर रहे हैं पेपर पैटर्न बताओ। अरे पेपर पैटर्न बदला ही नहीं, तो पेपर पैटर्न तो वही था जैसा है ऑलरेडी पहले से ही, है ना। पेपर पैटर्न वैसे ही है भाई जैसा था। द यूनिक कौन है सर? आपका लैपटॉप ठीक हुआ भाई? उसको झटके आते रहते हैं, क्या करेंगे, क्योंकि उसके लिए जो है जो डिवाइस उसमें लगाना है वो बहुत महंगा आ रहा है ना। इसीलिए आप लोगों से बोला था कि थोड़ा थोड़ा सा मदद करो, लेकिन इग्नोर। सर 8th का 12.2 भेज दीजिए। अच्छा 12वां सबक पढ़ाओ, ठीक है 12वां सबक पढ़ाएंगे अभी।
सर मराठी पेपर का हल भेजो, मराठी पेपर का हल। जी मैं मराठी नहीं पढ़ाता भाई। वाई स्टूडेंट डिसलाइक दिस वीडियो? पता नहीं, जलन, हसद, पता नहीं मेरे से कुछ प्रॉब्लम है उनको। क्या मालूम, जबकि मैं तो सबका अच्छा ही चाह रहा हूँ, मैं फिर भी लोग यही करते हैं। देखो ना, वो डिसलाइक की तादाद बढ़ रही है। खैर करो करो जितना हो सके, मैं तो बोलता सारे के सारे डिसलाइक करो करो, कोई मतलब नहीं मुझे उससे। जितने सब्सक्राइबर है ना उतने डिसलाइक कर देंगे तो मैं फिर फेमस हो जाऊँगा। सर नफीस सर ने मराठी बहुत अच्छा समझाया, बिल्कुल। अरे नफीस सर के तो आशिक है हम, उनके मराठी का जो पढ़ाने का तरीका है ना, फ़ैन है, फ़ैन हूँ मैं उनका। जो बताया हुआ लेटर है ना मेरे अब तक दिमाग में मेरे, जबकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मुझे तो मराठी पढ़ाता भी नहीं मैं, है ना सर? आप अच्छा पढ़ा, बहुत। करो करो डिसलाइक, करते जाओ भाई करते जाओ। डिसलाइक वाले आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ वही ना, करने दो करने दो, जो काम में वो फेमस है उनको वही काम करने दो, उनको वही आता है और वो वैसे ही रहेंगे वो, है ना? जो मेरे पीछे बोलते ना वो मेरे पीछे ही रहेंगे, ऐसा है वहाँ। सर आपके चैनल पर ग्रामर है क्या? जी हाँ, उर्दू ग्रामर भी है, इंग्लिश ग्रामर भी है, सब है। प्लेलिस्ट में जाके देखो। सर नेक्स्ट क्लास में क्या कराओगे? बातें कराऊंगा भाई। मैं क्लास में अब पढ़ाऊंगा नहीं, मैं लाइव नहीं पढ़ाऊंगा। सर नेक्स्ट क्लास में क्या कराओगे? सेम सवाल। सर आप भी बहुत अच्छे पढ़ाते। जी सर, यू आर इग्नोरिंग मी। नहीं, बता दिया मैंने खान साहिबा, मैं आपको इग्नोर नहीं कर सकता, आप तो अटेंटिव स्टूडेंट है भाई। गिव माई क्वेश्चन आंसर, दे दिया भाई। सर अभी हमारा लेक्चर स्टार्ट था, ठीक है। सर साइंस कब पढ़ाओगे? साइंस फ़िलहाल मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, हमारे जो साथी है रैबर अकेडमी से रिजवान सर, वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में साइंस पढ़ा रहे हैं, उनके चैनल पे भी जाके देखो। और हमारे आमद खान, उन्होंने वीडियो बनाए हैं एनिमेशन में, वो भी बहुत अच्छे हैं, तो वो भी देखो, है ना? काम के लिए कुछ समझ नहीं आया तो बराबर वीडियो देखने आ जाते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं। खैर छोड़िए, इग्नोर करना ही अपना काम है ना? सर आपने भी हमारी बहुत मदद की है। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। सर अज़ान हो रही है, ठीक है, हमारे यहाँ तो फ़िलहाल नहीं हो रही, जब अज़ान होगी तो ये सेशन बंद कर देंगे। हाँ सर, साइंस पढ़ने में मज़ा आता है, बहुत अच्छी बात है। रिजवान सर ने भी बहुत मस्त समझाया। हाँ बिल्कुल, अरे उनका जो सबक नंबर 5 का वीडियो देखेंगे ना, आप तो आशिक हो जाएंगे, उनके फ़ैन हो जाएंगे उनके आप, मतलब रुतुबत। और उन्होंने जो नुक्ते शबनम ये सब जो समझाया ना, वो इतना बेस्ट तरीके से समझाया ना कि अब तक तो हमने वीडियो देखे नहीं उर्दू मीडियम के, ऐसा तो वो देखो आप, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो रैबर एकेडमी को भी देख सकते हैं आप। चलिए 8वीं जमात के भी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सब चीज़ मिल जाएगा आपको, है ना? बार बार सवाल करने से अच्छा है कि भाई खुद आना चैनल का, को चीज़ मिल जाएगी वहाँ पर, तो सिंपल है चैनल, इतना मुश्किल नहीं है। और जो भी पूछना है तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, या ईमेल आईडी भी दिया गया, ईमेल करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ, है ना? जी बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह बाद के लाइव सेशन में। चलिए रखते हैं, अज़ान हो रही है, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिए, ध्यान से, हाँ दुआ में याद रखिए।